नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अंकिता पटेल, सौमिक विद्यालय किल्ला पारडी, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश अंदर आपने जो यूनिट एक नी अंदर एक्टिविटी नंबर 8 रीड द, एनी अंदर आपने जो ए रीड द पेरेग्राफ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने एक पेरेग्राफ आपेलो छे, आपने जोईए। अ स्पेरो एंड अ पेरोट वेर गुड फ्रेंड्स। स्पेरो एटले चकली अने पेरोट एटले पोपट, अने गुड फ्रेंड एटले के सारा मित्रों। चकली अने पोपट बने सारा मित्रों हता। एवरी डे द टेक टेक टर्क विथ ईच अधर। तेओ बने टर्क एटले के वातो करता हता। बट द पेरोट लीव इन अ केग इन पारुल्स हाउस। केग एटले के पांजरू। एटले पण पेरोट पोपट पारुलना घरे क्या रहतो हतो? पोपट पारुलना घरे पांजरामां रहतो हतो। द स्पेरो लीव इन अ ट्री। अने चकली लीव्ड एटले के क्या रहती हती? तो चकली झाड़ पर रहती हती। पारुल गेव द पेरोट फूड गुड फूड। एटले के फूड एटले के खावानुं। पारुल पोपट ने खावानुं आपती। द स्पेरो वर्क फॉर फूड। वर्क एटले के काम करवुं। तो चकली खावा माटे काम करती हती। वंस द पेरोट इन्विटेड द स्पेरो टू कम इन टू हिज केग एंड शेर हिज हैप्पीनेस। तो एक दिवस पोपटे चकली ने इन्विटेशन आप्यू, एटले के इन्वाइट करी एने केग एटले के पांजरा में शेर इट हैप्पीनेस। तो पछी ए खुश थई। द स्पेरो सेड, चकली कहे, नो सी वे वॉज वेरी हैप्पी आउटसाइड ध केग। एटले के आउटसाइड ध केग एटले के पांजरानी बहार आवे त्यारे खुश थईश। तो सी पेरो ध पेरोट ऑल्सो वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ ध केग। तो पछी पोपट पांजरानी बहार आवे माटे सो ध पेरोट हेल्प हिम टू ओपन ध केग। तो चकली ए हेल्प एटले के तेने मदद करी ओपन ध केग, पांजरू खोलवा माटे। बथ ध फ्रेंड्स फ्लाय अवे इन ध वन स्काय ओपन स्काय। तो पछी एवं बंने खुला आकाशमां उड़ी, बंने मित्रों खुला आकाशमां उड़ी गए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं भूतकाळनी ना रूपो आपेला छे, अहीं अंडरलाइन करी छे भूतकाळना रूपो नीचे। तो आपणे एने जोईए। तो बी, फॉलो ध एक्जाम्पल एंड राइट एक्शन वर्ड फ्रॉम ध સ્ટોરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટોરીની અંદરથી આપણે એના ભૂતકાળના રૂપો જોઈએ. ટર્ક ટર્ક એટલે કે ટર્ક, લાઇટનું લાઇક, લીવનું લીવ, પછી વર્કનું વર્ક, ગેવનું શું થશે? ગીવ. ઇન્વાઇટનું ઇન્વાઇટેડ, સેડનું સે, અને વેન્ટનું વોન્ટેડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 8 સી. તો अरेन्ज फॉलो सेंटन्स इन ध ऑर्डर ऑफ ध स्टोरी. तो विद्यार्थी मित्रों, अँ सेंटन्स आपेला है, तो स्टोरी आधार अपने आ सेंटन्स एम शोधी पहला क्यों सेंटन्स आपसे? तो आपसे ध स्पेरो एंड ध पेरोट वेर गुड फ्रेंड्स. तो पहला जे क्या आपेलू है वाक्य आशे, पची बीजा नंबर पर ध पेरोट इनवाइट सॉरी ध पेरोट लीव्ड इन अ केग एंड ध स्पेरो लीव्ड इन ट्री. પછી 3 નંબર પર ધ પેરોટ ઇન્વાઇટેડ ધ સ્પેરો ટુ ધ કેગ. પછી 4 નંબર પર આવશે ધ સ્પેરો હેલ્પ્ડ ધ પેરોટ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધ કેગ. અને લાસ્ટમાં આવશે કે ધ સ્પેરો એન્ડ ધ સ્પેરોટ ફ્લાય અવે ઇન ધ સ્કાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ટિવિટી નંબર 8 એ બી અને સી તમારે તમારી ઇંગ્લિશની નોટબુકની અંદર લખવું. થેન્ક યુ.